So, welcome back to my channel. In this video, we will be looking at a video from Samdhish Unfiltered YouTube channel. It's about a boy called Desh Premi. So the kid, aap log dekh sakte hain ki ye unke YouTube channel pe abhi upload hua hai. And the kid is clearly malnourished and does not have any nutrition. आप जस्ट एक बार उसकी बॉडी देखो, है ना, उसका शरीर देखो तो आपको समझ में आएगा कि पता नहीं क्या है, मतलब कोई न्यूट्रिशन है कि नहीं है. सो बेसिकली ये इसका नाम है देश प्रेमी और ये 18 साल का एक लड़का है और ये अनफिल्टर्ड संदेश. संदेश एक सॉर्ट ऑफ यूट्यूबर है जो कि इंटरव्यूज वगैरह लेता है, तो उससे बात कर रहा है. आप देख सकते हो कि द सैड रियलिटी इसकी, इसको देखते लग नहीं रहा है कि ये 18 साल का एक लौंडा है. आई मीन ही इज रियली नॉट लुकिंग लाइक एन 18-year-old किड. लो स्पीकिंग स्किल्स, लो एजुकेशन लेवल्स, मैल नरिशमेंट साफ दिख रहा है इसके इसके पूरे इंटरव्यू में, है ना. बट इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज हमें संविधान बचाने के ऊपर अधिक फोकस करना है, क्योंकि संविधान बचाना ही हमारे जीवन का इकलौता एक मोटो है, एक ऑब्जेक्टिव है. और फासिज्म से लड़ना तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है ना. सो ये सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हुआ क्या कि आप देख सकते हैं कि वी हैव अ कॉमी गाय ओवर हियर, है ना. इसका नाम है अमाल और उसने लिखा कि यू नो दिस ब्रोक माई हार्ट. अब जो कम्युनिस्ट होते हैं उनको बड़ा मजा आता है गरीबों को देख के, ब्रोक माय हार्ट, इट पेन्स मी, संविधान की हत्या हो रही है स्टफ. अगर आप कम्युनिज्म की हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी से उनका लेना देना कुछ था नहीं, ह्यूमन राइट से उनका लेना देना कुछ था नहीं. बट एनी वेज हम लोग उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. सो आज आप जस्ट देखिए कि ये वीडियो आया एंड देन हमारे महान कौमी गाय ने, सो आप इनके मतलब प्रोफाइल नेम में इन लोगों ने पैलेस्टाइन का एक फोटो भी लगा रखा है और जो कम्युनिस्ट जो सिंबल होता है हैमर एंड अ सिकल वो भी लगा के रखा है, क्योंकि वर्कर्स राइट्स के लिए बहुत ही इनका दिल हमेशा काम करता है. सो लेट अस सी. सो प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मतलब मार्क्सिस्ट हैं, दे हैव बीन ब्लेमिंग द हायर कास्ट स्कम्स हु लेफ्ट देश प्रेमी इन दिस स्टेट. सो देश प्रेमी की हालत बहुत ही खराब है, जो हमने मतलब देखा है. खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है और वो साइकिल चला रहा है और मांग मांग के खाना खाना पड़ रहा है. बट इसका पूरा ब्लेम है हायर कास्ट के ऊपर, जो अपर कास्ट है. लेकिन वो ये एक चीज भूल जाते हैं कि 1980s से बिहार इज बीइंग रूल्ड बाय कास्ट बेस्ड पार्टीज, है ना. समथिंग दैट इज अस्टाउंडिंग इज दैट देश प्रेमी इज नॉट अलाउड टू यूज द हैंड पंप्स बाय द माझी कम्युनिटी ऑफ हिज विलेज, क्योंकि जिस गांव में देश प्रेमी रहता है वहां पे माझी मेजोरिटी में है. और एक और चीज याद रहे कि माझी और पासी दोनों ही स्केड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में भी इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन चलता है. लेकिन है ना, प्रॉब्लम यह है कि जो कौमी गाय है और जो हमारे मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, उनको लगता है कि सारी गलतियां इस दुनिया में कास्ट बेस्ड पार्टीज ने नहीं की है और वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों ने किया है. अपर कास्ट सबको ऑप्रेस कर रहे थे, हालांकि हम सबको पता है कि अपर कास्ट की जो है ना पॉपुलेशन है वो सबसे कम है. लेकिन समहाउ हमको ये एक फेक नैरेटिव फीड किया गया है कि वो हजारों सालों से सबको ऑप्रेस कर रहे थे. तो ये समझना पड़ेगा कि 1980 से बिहार पे राज कौन कर रहा है. अपर कास्ट तो नहीं था सीएम, है ना, लालू और नीतीश थे. उन लोगों ने क्या किया, यू जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग द अपर कास्ट फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड देन वन फाइन डे व्हेन द रियलिटी स्ट्राइक्स यू, यू हैव नो आंसर्स टू. लेकिन जो कौमी है दे विल वेस्ट नो चांस इन पुटिंग ब्लेम एट द यूसीज और द अपर कास्ट. सारी गलती अपर कास्ट की है ना. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है उसके पूरे वीडियो का. And I will suggest कि हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, right? So let's see. कोई गांव में कोई मदद वदद नहीं करता तुम लोगों की, कोई कोई प्रधान हो, कोई गांव के बड़े लोग हो? सब अपना अपना सब रहता है कि हम है दूसरा जाने बस मार. ये माझी लोग नहीं तुम्हारी हेल्प करते हैं? इतना अच्छे थे वो, ये गया थी हमको बहुत, कोई लोग से नहीं रहे रहने दिया है भाई. कितनी उम्र है दोस्त? हमको 18. सो इट्स वेरी सैड टू सी दिस, बट द पुअर बॉय हिमसेल्फ सेज दैट मांझीज डोंट हेल्प हिम बिकॉज ही इज अ पासवान एंड ऑल द कम्युनिस्ट एंड ऑल आर इस्लामिस्ट एंड आर लेफ्टिस्ट आर गोइंग ऑल इन अगेंस्ट द मिडिल क्लास एंड अपर कास्ट हु देमसेल्व्स आर सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज. बिहार वॉज रूल्ड बाई लालू एंड नीतीश सिंस 1980s. वॉट डिड दे डू टू इम्प्रूव पीपल्स लाइव. ये बच्चा यहाँ पे खुद कह रहा है कि ये पासी कम्युनिटी से है, जो पासवान कम्युनिटी है ना. और जो माझी है वो उस गांव में
वहां पे मेजोरिटी में है, वहां है ना वो लोग वहां पे इनकी हेल्प नहीं करते हैं, है ना, ये आपने वीडियो में अभी अभी देखा है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज याद रहे कि पासवान और मांझी दोनों ही शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन ये उनकी हालत है कि कोई दूसरे की हेल्प नहीं करता है। देयर इज सम इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, दोनों को आरक्षण दिए गए हैं लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने है ना। ये जो अंबेडकराइट्स जो इतना ये नीले रंग का टी शर्ट और गमछा पहन के घूमते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि उसके पीठ पीछे हो क्या रहा है। सिर्फ अंबेडकर 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 बोलने से संविधान की हत्या होगी, संविधान की हत्या होगी, उसके ऊपर बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। लेकिन लेकिन इंडिया का फेवरेट पास टाइम क्या है, लेट अस ब्लेम द अपर कास्ट, और क्या बोलेंगे हम इसको, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। दिस इज सडनली ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, सब कुछ ब्राह्मणों ने किया है, सारे सारी गलतियों के जड़ में है ब्राह्मण। इस तरीके से हिंदुओं में जाति के आधार पे द्वेष फैलाया गया, इस तरह से हिंदुओं के बीच में जाति के आधार पे नफरत फैलाई गई। हिंदू कभी हिंदू बन के वोट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको कभी बताया नहीं गया कि तुम हिंदू हो, और हिंदुत्व से इन लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात पे है कि तुम हिंदू को हिंदू कैसे बना रहे हो। या बट एनीवेज, द प्रॉब्लम ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन इज की अपर कास्ट को ब्लेम करना सबसे आसान काम है इस पूरे इंडिया में, क्योंकि उसके ऊपर आपको सिंपथी भी मिल जाती है ना। और ये अंबेडकरिज्म के जो मतलब नायाब हीरे हैं हमारे देश में, है ना, एक पासवान ये है, इसका नाम है चिराग पासवान, जिसके ऊपर अभी लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस है ना, रिजर्वेशन को लेके बहुत बातें कर रहे हैं। लालू और नीतीश 1980 से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा है ये है इसका नतीजा। पीपल लाइक देश प्रेमी आर स्ट्रगलिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस, देयर मोरल स्किल्स आर एट बॉटम, सेल्फ एस्टीम लेवल सबसे नीचे है, दे आर प्रोन टू अब्यूज बाई साइकोपैथ्स एंड साइकोज इन दिस सोसाइटी। इनको देख के लगता नहीं है कि इनको कुछ भी अच्छा प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन डिफिशियंट है ये, बॉडी में आयरन की कमी होगा, ही माइट बी एनेमिक। या बट हमारे देश में क्या चल रहा है अभी हेडलाइन, कि हमको सोशल जस्टिस करना है, रिजर्वेशन करना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इतना विश्वास जीत रहे हैं हम सबका कि ये हालत आ गई हमारे बच्चों की, राइट। अनदर वन इज स्ट्रगलिंग टू हैव 2 मील्स अ डे। एक तरफ ये एक पासवान है जो कि बड़े अच्छे से रहता है, बहुत ही 5 स्टार ट्रीटमेंट सब जगह मिलता है, दूसरी जगह ये एक और पासवान है जिसको लगता है कि बस अगर पासवानों को वोट देते रहेंगे तो सोशल जस्टिस अपने आप होता रहेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन सब चीज में ब्लेम हमको अपर कास्ट को करना है, क्योंकि अपर कास्ट ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, और हिंदुओं को तो है ही, हिंदू इन जनरल इज ऑलवेज ब्लेम, है ना। कम्युनलिज्म होगा तो हिंदू की गलती है, कुछ भी होगा हिंदू की गलती है, अपर कास्ट की गलती है। अपर कास्ट एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है हमारे देश में, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। सो एनीवेज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।